हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह शाम के 6 और आज अभी से ब्लॉग स्टार्ट होता है। सुबह को मुझे थोड़ा बिजी था, थोड़ा तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था। अभी से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे ग्लव्स खरीदने के लिए, क्योंकि पहले जो ग्लव्स था मैं यूज़ करता था वो अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी कि बहुत पुराना हो गया। तो अभी सही टाइम था कि चेंज कर सकते हैं। और इस बार मुझे कोई अच्छा ग्लव्स ही चाहिए था, ताकि मैं ज़्यादा दिन तक उसको कंटिन्यू कर पाऊँ और ज़्यादा दिन उसको यूज़ कर पाऊँ। मैं ऐसे ही ग्लव्स ढूंढ रहा था, तो HRBL लेआउट में एक शॉप है सोल राइडर, वहाँ जहाँ से मैंने बूट ख़रीदा था, राइडिंग बूट्स, वहाँ से मैंने सोचा कि ग्लव्स ख़रीद सक। वहाँ पे दो तीन शॉप है, तो कोई भी एक शॉप से मैं ख़रीद लूँगा जिसमें मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं शॉप की तरफ। आई डोंट नो अभी कितना ट्रैफिक रहेगा, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी जा रहा है, उसका नाम है सुभाषीष, हम दोनों जा रहे हैं। और दोस्तों, मेरे बाइक में जो इशू था वो इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। उन्होंने अभी तक जॉब कार्ड मुझे भेजा नहीं, उन्होंने बोला कि आप और थोड़ा चला लीजिए, देखिए इशू दिखता है या नहीं। अगर इशू नहीं दिखेगा तो हम लोग केस को क्लोज कर देंगे। तो मैंने कल भी चलाया थोड़ा बहुत और आज भी चला रहा हूँ, लेकिन मुझे वो इशू दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक वो इशू नहीं है अभी, तो मैं उनको बोल दूंगा कि केस को क्लोज कर दीजिए आप। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, सो थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है, तो ये मुमकिन हो पाया आप सभी का प्यार के लिए, तो आप सभी को दिल से थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए इस चैनल को, ताकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर पाए बहुत जल्दी। और मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा डेली ब्लॉग या फिर एक दो दिन मिस करके ब्लॉग लाने का आप लोगों तक। तो बने रहिएगा ऑलवेज मेरे चैनल में। और फ्रेंड्स, सब अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि कब मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप जैसे वो वीडियो अपलोड होता है तो आप देख सकेंगे। तो बेल आइकन को आप ज़रूर से लगा लीजिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड, कि
मैंने उस दिन इस बाइक का माइलेज चेक कर रहा था मीटर में, तो यहाँ पे मुझे 37 का माइलेज दिखा रहा था सिटी में, तो मैं तो खुद शॉक हो गया कि इतना ज़्यादा माइलेज कैसे दे रहा है। और ऐसे चल रहा है, माइलेज अच्छी मिल रही है बाइक से। और ये बाइक अभी E20 का जो नॉर्म से उसके अंदर आता है, तो उसके अंदर में आप E20 का जो पेट्रोल है वो डाल सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके E20 पेट्रोल ही डालने का, क्योंकि मुझे सुनने में आया कि इससे माइलेज ज़्यादा मिलती है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे सुनने में आया कि इससे माइलेज थोड़ी ज़्यादा मिलती है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है, और बाइक थोड़ी अच्छी रहती है। लेकिन अभी बेंगलोर में हर एक पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल नहीं मिलती है, कुछ अच्छे और बड़े पेट्रोल पंप में ही E20 पेट्रोल मिलती है। तो मैंने भी इसको लास्ट टाइम E20 पेट्रोल ही फिल किया था, तो वहाँ से मैंने 600 का पेट्रोल फिल कर लिया था। तो अभी इसमें 3 मीटर दिखा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उस साइड जाऊँगा तो फिर से मैं फिल करा लूँगा वहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी इसमें नॉर्मल पेट्रोल डालने का। तो जबकि अगर E20 है तो E20 इसको देना चाहिए, और अगर माइलेज ज़्यादा मिलेगी तो सुहाना सबके लिए, मतलब अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है, बाइक के लिए भी अच्छी बात है, मेरे घर वाले के लिए भी अच्छी बात है। पैसा सेविंग होता है तो सब खुश होते हैं। तो ये जो HRBL लेआउट है फ्रेंड, ये यहाँ से लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो मेन रोड से ये आ जाएगा। आई थिंक आज फेस्टिवल भी है तो पता नहीं कितनी ट्रैफिक रहेगी, वो तो जाने से पता चलेगा ट्रैफिक कितना होगा। आज उगाड़ी है बेंगलोर में, यहाँ के लोकल लोगों के फेस्टिवल है, जैसे हम लोगों की मकर संक्रांति या फिर गुड़ी पड़वा होती है, ऐसे यहाँ पे उगादी होती है। तो आप सभी को उगादी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन लोग बेंगलोर से देख रहे हैं या साउथ से देख रहे हैं, आप सभी लोगों को उगादी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी उगादी। और फ्रेंड मेरे बाइक में अभी 717 किलोमीटर ऑलरेडी रन हो चुकी है, मतलब 700 क्रॉस कर चुका है। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक के अंदर या इस मंथ के अंदर ही इसका फर्स्ट सर्विसिंग मुझे कराना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट सर्विसिंग ज़्यादा देर नहीं है, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद एक दिन मैं इसका स्पीड टेस्ट करूँगा कि ये हाईवे में कितना स्पीड तक जा सकती है। आई थिंक मुझे बोला गया है कि 170 तक ये क्रॉस करती है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि 400cc 170 तक क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेट्स सी, हम लोग इसको देखेंगे रियल टाइम में कि ये 170 क्रॉस करती है नहीं। तो मैं 170 तक उठाऊंगा नहीं, 140-150 तक उठाने का ट्राई करूंगा, तो अभी तक तो किया नहीं, लेट्स सी देखते हैं। क्योंकि मुझे जितना लगता है कि कोई भी बाइक हो या कार हो, 130 के बाद वो स्टेबल नहीं रहती है। कोई भी बाइक हो जाए, कार हो जाए, 130 के बाद कोई भी बाइक कार स्टेबल नहीं रहती है। तो हम लोग को 130 के अंदर ही चलाना चाहिए।
हाय फ्रेंड्स, तो मैंने ये राइडा का ये वाला ग्लव्स ख़रीदा। ये कोस्ट 3300 पड़ा मुझे। बहुत अच्छा मटेरियल है और इन लोग बोल रहे हैं कि बहुत बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। देखिए, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है। सुबह से हाई कर दो, तो हाई करो दे। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है, उसको भी पसंद आया ये वाला। तो ये तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। तो देख के तो मुझे अच्छा ही प्रोडक्ट लगा और इसी का ही मैंने राइडिंग बूट्स भी लिया था राइडा का। तो आई थिंक ये अच्छा ही होगा। तो अभी अंधेरा भी हो गया दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। लिव योर लाइफ और जय हिंद।